हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के 11:20 हो रहे हैं और जस्ट अभी मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया है। एक्चुअली कल जो है बरेली से आने में काफी ज्यादा लेट हो गया था, और भाई कल इतना ज्यादा मैं थक गया था कि मॉर्निंग में पूरे 9 बजे मेरी आंख खुली। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है। तो फिलहाल जो है अभी बाहर कहीं जाने का प्लान नहीं है। आज तो जो है कोशिश करेंगे कि घर पे ही रहें, क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा मौसम है तो कहीं जाने का मूड नहीं है। अगर देखेंगे शाम को कहीं जाने का प्लान होगा तो निकलेंगे। तो फिलहाल अभी जो है ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी हो गया है, चाय तो मैंने पी ली थी, तो अभी जो है ब्रेकफास्ट करते हैं। तो छत पे जो है मस्त धूप निकल आई है, साथ में यहीं बैठ के जो है खाना भी खाते हैं। तो आज है अरहर दाल और फ्राइड आलू एंड चपाती। एक लड़की का भाई कहां उसे बैठा दिया, बैठ तो ऐसे नहलाने कौन लेके जाएगा इन्हें। तो उठा लो, उठा लो, चले इनका जैकेट भी इसी में रख लो। हम जा रहे हैं नहाने, नहाने इसी में टब में पानी भर देना, नहा लेंगे। वो जा ही नहीं रही है ना, तभी ने ऐसे पैक करके ले जाना पड़ रहा है। बाय बाय गाइस, बाय। नहाने जा रही है क्या? ये देखो हाथ में पकड़े जूता, उसे मजा आ रहा है। अरे हमने कहा, हमने कहा थे भाग गई थी, तेज सट 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 करके वो चला गई किया पे, उन्हें यार चिपक के बैठ गई जाती थी। बाबू अम्मी मिट मजा आया, इन्हें बहुत मजा आ रहा है। बलून है पप्पी, क्या जीजी हवा बननी है क्या? तो बेटू मैं कैसे भर पाऊंगा? क्यों पंप नहीं है क्या? लाओ पंप से भर देते हैं अपने बच्चे के लिए। जाओ चाचू से मांग के लाओ। चाचू चाचू प्लीज, इसमें मम से भरेगी, इसमें दूध से भरेगी। किससे कर 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 चाचू प्लीज, थोड़ा सा ज्यादा चला रहे। बेकार हो गया बेटा, अब नहीं हो पाएगा, दूसरा लाना पड़ेगा। जी फटा हुआ है, अरे बेकार हो गया बेटू। चलो आप कुछ और ले लो, आ जाओ और कुछ दे देते हैं। हाँ इसमें से ले लो कुछ, रुको 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 रुको, रुको मैं निकाल देता हूँ, 1 मिनट। क्या कह रही है? और अनी की जैकेट का हाल कुछ ऐसा हो गया। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी ये लेदर की जैकेट का यही हाल होता है। देखो देखो सारा निकल गया इसमें, देखो यार रे ये क्या हुआ। हाँ इस तरीके का जैकेट पहनती हो आप? पहनते मतलब कल एक दिन में ऐसा खराब हो गया? आई थिंक मॉइस्चर के चक्कर में खराब हो गया होगा पूरा। बेटू ये लॉलीपॉप नहीं है जो आप मुंह में रख के खा रही हो, निकालो 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 निकालो, खाने की चीज नहीं है, खाने की चीज नहीं है, ये बजाने की चीज है। ये देखो लॉलीपॉप नहीं है बेटा, लाओ रख दे करने का सर। मैंने क्या बोला था, नहाने जाओ, नहाने नहीं गई पापा के पास। आ जाओ गन्ने का जूस पीना आपको। देखो भैया लेके आ गए हैं, भैया आ गए, चलो आपको एक ग्लास पिला देते हैं, ठीक है? जूस हाँ, फ्रेश शुगर कैन जूस है, आपको मजा आ जाएगा। बैठो इन्हें भी बैठा लो, बैठो भी बैठो, पकड़े रहना ठीक है। हाँ धीरे धीरे चला रहा, जाओ चली जाओ बुआ के पास, जाओ बाय कर रही हैं। अच्छा कहाँ इन्हें जाना है मुझे लग रहा, आ जाओ आ जाओ जाओ पापा जाओ। लो अच्छा इन्हें स्कूटी जा रहा है, अरे बुआ जा रही है, जाने दो, बाय कर लो बाय कर लो बाय। नहीं रोना नहीं, अभी अभी चलेंगे अभी मम्मा के साथ, अभी अभी मम्मा के साथ चलेंगे, रोना नहीं, रो नहीं, बाय कर लो बाय कर लो, अभी हम लोग चलेंगे, हम लोग कार से चलेंगे, कार से चलेंगे। चलो चलो चलो, नहीं नो बेटा, बेचारी को जाना था अगले, अभी अनी को मार्केट जाना है तो स्नैक को भी लिए चलेंगे। बेचारी का बाहर जाने का मूड था, बुआ ले नहीं गई, चिल्लाने लगी, और मेरा हेलमेट जो है काफ़ी दिनों से कार में ही पड़ा है तो उसे निकाल लेते हैं। और एक बार ऐसे मैं एक रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पे जो है आई थिंक ऊपर कहीं मतलब सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे कुछ पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा था, तो ऊपर से हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी पेंट की। ये देखो पूरा एकदम इसका जो वाइजर है पूरा गंदा हो गया, तो इसे भी जो है अभी क्लीन कर देते हैं, फ्रेश गन्ने का जूस जो है ट्राई करके देखते हैं, काफी ज्यादा स्वीट है। और कोई हन्नु करके आ गया, और अभी कोई रो रहा था,
अब आप मत पियो थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल लेते तो और ब्लैक सॉल्ट क्या मैं सारा था इसमें लेमन थोड़ा पड़ जाए बट है नहीं अपने तो इधर फिलहाल चाय आ गई है अनाया जो है सो गई है तो अनी फिलहाल मार्केट जाना चाह रही थी और फटी हुई जैकेट पहनते हुए इनकी जैकेट फट गई इस वजह से इन्होंने जाना कैंसिल कर दिया हट यार वो तो कल ही फट चुकी थी जाना कैंसिल मोड बदल गया देखो कैसी हो गई रेडी हो जाओ आप चलने का तैयार है क्या है तो रेडी है फिर स्वेटर दूसरा डाल लेंगे एक्चुअली यानी सोचा कि जो भी यहाँ शॉपिंग करनी है अब यहाँ नहीं खरीदेंगे सीधे हरदोई चल के खरीदेंगे कोलकाता में जो है लॉकडाउन की वजह से पूरा रोड वगैरह सब कुछ बंद हो गया जैसा अपने हम जो लॉकडाउन लगा था ना सारे ट्रैफिक वगैरह सब बंद था तो इसलिए जो है सनाया भी नहीं गई और अनिल ने तो जो है जाने का प्लान ही कैंसिल कर दिया अब ये करी जब तक कोरोना नहीं आएगा तब तक मैं मार्केट नहीं जाऊंगी ऐसा हमने कहा फिर सामान कैसे कोरोना नहीं आएगा जब तक कोरोना नहीं आएगा तब तक मार्केट नहीं जाऊंगे फिलहाल आप कोशिश करें घर पे ही रहें क्योंकि कोविड का सीन काफी ज्यादा बढ़ रहा है ना जैसे ये सो के उठी अभी जस्ट एक सेकंड नहीं हुआ सीधे कहीं भागो एक्चुअली ये छिपकली है मे बी जो है कभी कभी इसके अंदर चली जाती है बट मैं काफी दिनों से इसे देख रहा हूँ यहीं पे है बट ये जिंदा है तो इसे भी मैं कोशिश करके जो है नीचे बाहर कहीं छोड़ देता हूँ तो ये जो है बच जाएगी अगर यहीं पे रही तो टाइल्स वगैरह काफी ठंडे हैं और इसके जो है मरने का डर है और ये सारे छिपकली है क्या छिपकली है ना गिर गई तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हैं गिरगिट के लिए गिरगिट है छिपकली है गिरगिट लग रहा है कितनी धुली हो गई जब आई थी कितनी तगड़ी थी एक्चुअली इससे ऐसे हो नहीं रहा झाड़ू से मैं जो है इसे उठाऊंगा काफी सॉफ्ट है एक्चुअली इससे बिल्कुल भी जो है इसे हर्ट नहीं होगा इसे आराम से इसमें तो इसके अंदर ये चली गई है और अनी डर के जो है भाग रही है अब मैं इसे आपके ऊपर फेंक दूंगा लकड़ी जैसे हो गया मर तो नहीं गई नहीं जिंदा ओए पापा चिपकी है पापा अरे ची 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 बेटू ची 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 इसे जो है मैं बाहर यहाँ पे कहीं घास में छोड़ देता हूँ बट इसने काफी दिन जो है सरवाइव किया और होपफुली जो है जिंदा है कभी कभी ये अंदर चली जाती थी और बाहर आ जाती थी कुछ दिन तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली तो मुझे लगा कि शायद मर गई होगी बट अभी भी जिंदा है पास से जरा क्लोजअप इसका दिखाते हैं तो यही जो है मेरे घर के पीछे थोड़ी सी घास है वहीं पीछे जो है छोड़ कर बाय बाय इसका वही सीन हो गया कि जैसे एक बार नहीं कुछ सैनिक आई थिंक जो है बर्फ के अंदर फंस गए थे और दो तीन दिन बाद वो जिंदा निकले तो सेम यही इसका सीन था काफी दिन इसने सरवाइव किया बेटू बाय 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 स्लीपर पहनो नहीं तो आप आपके सॉक्स जो है सारे गीले हो जाएंगे हैप्पी अच्छा हाई फाइव हाई फाइव वेरी गुड ये वाला फोन है मतलब मेरा दूसरा वाला फोन तो इसे जो है सनाया ने पता नहीं क्या इसका टेम्पर्ड पूरा निकाल दिया था तो उन्हीं ने फिर से मतलब ऐसे ही लगा लिया तो अंदर से काफी ज्यादा गंदा है तो इसे भी जो है अभी चेंज करवाना है रिकॉर्डिंग में तो नहीं पता चल रहा होगा बट ऐसे रियल में देखने में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो इसे फिलहाल जो है चेंज करवा के आते हैं और अभी जो है बादल छा गए थे काफी ज्यादा ठंड पड़ गई थी बट अब फिर से धूप निकल आई एकदम सही सीन हो गया धूप निकलती रही फिर ठंड नहीं लगेगी बिल्कुल भी और सामने जो चौराहा है इसे पहले बोलते थे हथौड़ा चौराहा अब इसे बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस चौराहा और सच में पहले यहाँ पे जो है काफी ज्यादा भीड़ भाड़ रहती थी क्योंकि पूरी मार्केट थी बट अब सारी मार्केट पूरा खाली करवा दी गई है और चौराहे का जो है सुदृढ़ीकरण करवा दिया गया है तो अब जो है काफी ज्यादा सही लग रहा है रेनोवेशन फिलहाल कवर लगवा लिया फोन में अब जो है सही दिख रहा है देखो 442 हो गए आनंद कुलचाल दुकान का नाम चेंज कर दिया क्या मॉर्निंग में सुबह सुबह तो फिलहाल चाप पैक करा लिया है ये भी एक फ्रेंड भी आ रहा है आगे मिलेंगे तो दोनों लोग आराम से बैठ के जो है गाड़ी में ही एंजॉय करते हैं एक्चुअली चाप जो है होता तो काफ़ी हेल्दी है बट इसमें बटर वगैरह डाल के खाओगे तो भाई एकदम अनहेल्दी हो जाता है अगर इसे अच्छे से प्रिपेयर किया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रोटीन रहता है तो अभी फिलहाल जो है एक भाई के यहाँ आ गए हैं अभी बेचारे अकेले हैं आज तो चाय वगैरह बना रहे हैं चाय पीते हैं उसके बाद में फिर 9 बज गए बहुत टंग निकालती है अंदर करो टंग को तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना बस दोस्तों जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए